कि जो माता पिता हमें जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हमें कुछ करने योग्य बना देते हैं, लेकिन जब वे वृद्ध होते हैं और जब उनकी सेवा का समय आता है तो आज हम देख रहे हैं कि बाल बच्चे उन्हें त्यागते चले जा रहे हैं और वे वृद्धाश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक वही स्थिति आज गायों की ओर हो रही है कि जब तक तो गौमाता दूध देती है तब तक किसान या कोई भी गृहस्थ उन गायों को घर में रखता है और उनसे दूध प्राप्त करता है, लेकिन जब वे गायें दूध देना बंद कर देती हैं, बच्चे देना बंद कर देती हैं, तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। आप देखेंगे जहाँ भी कूड़े कचरे का ढेर लगा होता है वहाँ पर गाय प्लास्टिक खाती है, गंदगी खाती है और वह बीमार होती है, रोगी होती है, भूख से ग्रस्त हो जाती है, शरीर उसका बिल्कुल हड्डी हड्डी हो जाता है। अब उस ऐसी परिस्थिति में या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वह रोगी हो जाती है। हम लोग जगह जगह जाते हैं, उन गायों को लेकर के आते हैं, एक्सीडेंटल गायों को या जो घर से त्याग दी गई हैं ऐसी गायों को या जो रोगी हो चुकी हैं ऐसी गायों को, और ऐसी परिस्थिति में जब उन गायों को लाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, हमारे पास में उस समय अर्थ का अभाव होता है, क्योंकि ये जो गौशाला है इसकी आय का कोई स्रोत नहीं है। गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, भूसा चारा की खरीदी में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात ये भी महंगे हो रहे हैं, दवाइयों की महंगाई आप देख सकते हैं, और गाय यहाँ पर कोई भी आय का स्रोत नहीं है। जो गाय अगर दूध देती भी है तो हम दूध दही घी आदि बेचते नहीं हैं, बल्कि संतों के पास में, भक्तों के पास में, गौ सेवकों के पास में वो दूध दही घी पहुँचता है। अब ऐसी परिस्थिति में आप विचार कर सकते हैं कि उन गायों की सेवा कितना कठिन हो रहा है। तो ये गोरक्षशाला आप लोगों का आह्वान कर रही है कि आए आप सभी लोग आगे बढ़ें और इस गोरक्षा अभियान में सम्मिलित होवें, हरा चारा गायों को खिलावें, भूसा गायों को खिलावें, जिससे कि आप लोगों को भी पुण्य का फल प्राप्त हो और गौ माता हर प्रकार से संरक्षित और संवर्धित हो।